नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर आए हैं झुंझुनू के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं अद्वितीय खेतरी महल में। महल को देख रहे हैं, उसका एक अपना एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है और इसे झुंझुनू का हवा महल भी कहा जाता है। ऐसा कहना कहां तक सही होगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। खेतरी महल देखने के पहले हम इसके इतिहास के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। ऐसा माना जाता है कि खेतरी महल का निर्माण 1770 में महाराज गोपाल सिंह द्वारा किया गया था। इस प्रसिद्ध खेतरी महल की खास बात यह है कि ना ही इसमें कोई खिड़कियाँ हैं और ना ही दरवाजे हैं, इसीलिए इसे झुंझुनू का हवा महल भी कहा जाता है। जयपुर के महाराज सवाई प्रताप सिंह इस खेतरी महल से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने सन 1799 में जयपुर के भव्य एवं ऐतिहासिक हवा महल का निर्माण कराया था, जो खेतरी महल को देखने के बाद ही। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं झुंझुनू का प्रसिद्ध खेतरी महल। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाले वीडियो भी आपको उतनी पसंद आए और आप तक पहुंचे। और चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या खास है इस खेतरी महल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस खेतरी महल में ना ही कोई खिड़की है और ना ही कोई दरवाज़ा। ये सारा महल इन पिलरों से एक दूसरे कमरे को डिवाइड कर रहा है। आप चारों तरफ नज़र फिराएंगे तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ पिलर ही पिलर है। इन पिलरों की भी अपनी कुछ खास बातें हैं, लेकिन उसके पहले आपको पहले एक बार खेतरी महल दिखाते हैं। पहला फ्लोर, ऐसे तीन फ्लोर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपने हवा महल देखा है कि ऐसा दोनों में कॉमन क्या है? इस तरह से इस महल को बनाया गया है कि यहाँ पर हवा चारों दिशा से आती और जाती रहती है। कहने का मतलब इसीलिए इसको शायद झुंझुनू का हवा महल भी कहा जाता है। गौर से देखिए, इस खेतरी महल की इस चीज को देखिए आप। अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हवा महल भी कुछ इसी तरह से बना हुआ है। तो हमारा कहना गलत नहीं होगा कि हवा महल की जो प्रेरणा थी महाराजा सवाई प्रताप सिंह को जो मिली थी, वो झुंझुनू के प्रसिद्ध खेतरी महल से मिली थी। चलिए, तो आपने खेतरी महल का पहला फ्लोर देख लिया, अब हम आपको दूसरे फ्लोर पर ले चलते हैं। पहले से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियों का भी रास्ता है, और उस वक्त में जो महाराज होते थे वो ऊपर जाने के लिए जिन घोड़ों का यूज करते थे, उन घोड़ों को यहाँ से दूसरे फ्लोर पे ले जाया जाता था। ये कह सकते हैं कि घोड़ों के द्वारा ऊपर आने का रास्ता है। ये था महाराज के बैठने का सबसे अहम स्थान। यहाँ पर बैठ के ही महाराज सामने जो भी आयोजन होते थे खेतरी महल में, वो यहाँ से देखते थे। तो गौर से देखिए, आपको फिर से एक बार ऐसा महसूस होगा कि आप हवा महल में हैं, जबकि ऐसा नहीं, आप खेतरी महल में हैं, जिससे प्रभावित होकर महाराजा प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण किया। पहले की कला देख सकते।
सकते हैं जो पत्थरों पर अलग अलग फूल बनाई गई है। तो आइए और ऊपर ले चलते हैं आपको खेतरी महल में। ये हम आप आ चुके हैं खेतरी महल के सबसे ऊपर की मंजिल पर। यो पुरानी चूना प्लस्तर अपने स्वयं की महिमा के लिए छोड़ दिया गया है और ये यहाँ एक गुलाबी चमक है। हालांकि खेतरी महल पर कोई संदेह नहीं है कि यह शेखावटी युग की दुर्लभ और अद्वितीय संरचनाओं में से एक है, लेकिन इस इमारत की लाचार स्थिति एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। इस तरह की वास्तुकला दुर्लभ है। और ये हम खड़े हैं अब सबसे टॉप फ्लोर पर खेतरी महल के, जहाँ से आप झुंझुनू शहर को अच्छे से देख सकते हैं। आज हमने आपको दिखाया झुंझुनू का प्रसिद्ध खेतरी महल। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।